मित्रों, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्राकृतिक, खूबसूरत और जैविक विविधता की वजह से 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह बताना चाहेंगे कि यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो न केवल भारत के लोगों को बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। मित्रों, कुदरत के विभिन्न रंगों से सजी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। दुर्लभ वनस्पतियों से समृद्ध घाटी जैव विविधता का अनुपम खजाना है। यहाँ 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए फूलों की घाटी से टिपरा ग्लेशियर, रतावन चोटी, गौरी और नीलगिरी पर्वत के विहंगम दृश्य भी देखने को मिलते हैं। मित्रों, नंद कानन वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग की भी सुविधा है। इस हेतु देसी नागरिकों को 200 रुपये तथा विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपये इको ट्रैक शुल्क निर्धारित किया गया है। मित्रों, माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी, जब फ्रैंक एवं स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही अपना रास्ता भूल गए और इस शानदार घाटी पर पहुंच गए। इस जगह की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी का नाम दिया। दोस्तों, वर्ष 2004 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे नामित किया व वर्ष 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इस जगह को नंदन कानन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान इंद्र का बगीचा। 1980 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया व 1982 में इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य भाग के अंतर्गत आ गया। यहाँ फूलों की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ खिलती है और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। आर्किड, खसखस, प्रमूला, मैरीगोल्ड, डेजी और एनीमोन जैसे विदेशी फूल 600 से अधिक प्रजातियां एक आकर्षक नज़ारा है। यहां ब्रह्म कमल भी पाया जाता है। उप अल्पाइन वन बर्च और रोडोडेंड्रॉन पार्क के क्षेत्र के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं। घाटी की ओर से जाने वाला ट्रैक झरनों और जंगली धाराओं जैसे आकर्षक नज़ारे पेश करता है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घाटी में दुर्लभ और अद्भुत वन्य जीव प्रजातियां भी पाए जाती हैं, जैसे कि ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन विजन, काला भालू, लाल लोमड़ी, लाइम बटरफ्लाई, हिम तेंदुआ, हिमालयन मोनाल, नीली भेड़ और कस्तूरी मृगों को भी देखा जा सकता है। यूरोपियन लेखक के स्माइथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स के शीर्षक से इस
फूलों के अद्भुत संसार पर पुस्तक लिखी, जिसके बाद ही दुनिया की नज़र फूलों पर गई। मित्रों, किंवदंती है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। मित्रों, अमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।